आप विनोद तो भैया विनोद कोई तो भैया Thank you.
कहते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए भगवान कभी अकेले नहीं आए, जब आते हैं पूरा अपना धाम और अपना परिक्रम में लेकर के आते हैं। महाप्रभु इस जगत में अकेले नहीं, पूरा धाम और परिक्रम को लेकर के आते हैं। भगवान जगत में क्यों आते हैं, आने का कारण क्या? बोले कारण है, बोले उनको सबको जीवन में सबको वो प्रेम देना चाहते हैं, सबको वो प्रेम देना चाहते हैं, भक्तों को दुर्गा को प्रेम परिवार का। बोले कौन सा प्रेम देना चाहते हैं? कहते भगवान के प्रति जो प्रेम है ना पांच तरह का होता है। कितना तरह? कहते कैसे क्या किया है? कहते एक शांत रस से भगवान को भक्त। शांत रस मतलब क्या होता है? शांत रस उसे कहते हैं जब भगवान उनको द्वारा कुछ करवाते हैं ना तो वो करते हैं, तो अपने आप नहीं करते। जैसे वृंदावन में जो गैया है, वृंदावन में जो गैया, वो गैया को कृष्ण जब उनका हाथ करके ले जाते हैं ना तब तो गैया चलते हैं, अगर कुछ नहीं बोलते गैया जैसे कृष्ण चली गई। जैसे कृष्ण का बंसुरी, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं तभी बंसुरी बजती है, अपने आप बंसुरी बजती है, कृष्ण बजाने वाली बंसुरी बजती है। इसलिए उनको शांत रस कहते हैं। जैसे वृंदावन की कोई प्रतिक्रिया है कहते सबके सब शांत रस, जब शांत समझते ना कहते बड़े शांत आदमी, व्यक्ति बड़ा शांत है, मतलब एकदम धीरे स्थिर एकदम अच्छे आदमी हैं। इसलिए जो शांत रस की जो भक्त है भगवान करवा दें सर कहते हैं, लेकिन वो भक्ति जगत में सबसे छोटे सबसे निम्न है। मतलब उनसे जो भक्त है दास्य रस, दास्य रस के जो भक्त होते हैं वो अपनी आप ठाकुर का सेवा करते हैं, अपनी आप ठाकुर को सेवा करते हैं, उनको बोलने का जरूरत नहीं। जैसे हनुमान, हनुमान को थोड़ी बोलना पड़ता है, सेवा करो करना बोलना नहीं पड़ता है, वो अपनी आप प्रभु आपकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। जब भगवान राम बैठते हैं उससे ठाकुर जी को बचने उससे छाया कर देते हैं। अगर भगवान को पहचाना हो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना कंधे को बोले राम लक्ष्मण को बैठा करके आकाश में उड़ करके चले जाते हैं। इसलिए जो अपनी इच्छा से जो ठाकुर को सेवा करते उसको कहते हैं दास्य रस, भगवान को सेवा करना। लेकिन उसको ऊपर में और एक रस है, उसको ऊपर में बोले वो कौन सा रस है? सख्य रस। बोले सख्य रस में क्या है? बोले सख्य रस में ये है दास्य से भी वो श्रेष्ठ है। बोले क्यों? जैसे तुम्हारे घर में इतना नौकर दिन भर काम करता है, पोछा लगाता है, खाना बनाता है, भाई कपड़ा सिलाई करता है, सारा दिन करता है, हाँ उसको प्रति तुम्हारी प्रेम है ये। लेकिन तुम्हारे जो दोस्त है, तुम्हारे जो दोस्त एक आता है ना, जैसे तुम एक यहाँ पर बैठे हो इस तरह तुम्हारा दोस्त आएगा ना, बस तुम्हारे पास बन जाएगा, क्या कर रहे हो, क्या बात क्या कर रहे हो, जो हृदय की जो बात किससे बोलते हो? अपना दोस्त है, नौकर से बोलते हो दिन का, जैसे भी वो दिन भर काम करता है, करता है तो दिन भर सेवा करने पर भी उसको दोस्त रख दिया है। लेकिन हृदय दोस्त की बात नहीं करते, तुम्हारी बिस्तरा में जाकर देखना बैठ नहीं जाएगा, दिन खोल कर बात नहीं करते। इसलिए कहते हैं दास्य रस से जो सख्य रस है, कहते ये सख्य रस उससे श्रेष्ठ, ये सख्य रस है उससे श्रेष्ठ है। इसलिए कहते उसको ऊपर नहीं, कहते जब सख्य रस आ गया ना कहते यहाँ पर बराबर हो भगवान और भक्त बराबर। जो दास्य रस था भगवान से बड़े और दास से छोटे हैं, जैसे हनुमान जी राम जी से बिस्तरा पर बैठ, हनुमान की बड़ी बैठी जा कर उनकी चरण में जाकर बैठ सेवा करते। लेकिन जो अर्जुन है जब कृष्ण बैठे हुए होंगे ना उसके पास में जाकर बैठ जाए तो उसके बारे में क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, क्या दिल खोल के बात करते हैं वो बराबर। लेकिन उसको ऊपर से जो होता है बात्सल्य से, फिर बात्सल्य से कहते हैं कि उसको बोले जो बेटे मान करके हैं भगवान को, जो अपना बेटे मान करके अपने आप को माँ मानती है, फिर वो उससे श्रेष्ठ। अभी तक तो बराबर था भक्त और भगवान बराबर थे, लेकिन जो बात्सल्य रस होता है ना कहते भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। जैसे मैया जो सोचा अगर कहीं मक्खन खाए चोरी करेगी मक्खन फिर दे तो गोपियाँ कह रही थी, फिर नहीं मैया उसने मक्खन चोरी की, फिर सबके सब झूठे बोलते, किसी तरह मिट्टी खाए सरकार ने सिंचाई करके मिट्टी खाई,
जहाँ भगवान छोटे हो जाते हैं, माँ हो जाते बड़ी, सीधा कार मिट्टी खाते ही कोई घर में मखन की कोई कभी कोई मिट्टी खाया तुमने हैं? सकाल उसको बोले मिट्टी खाई, इसलिए कहते यहाँ पर भगवान हो गए छोटे और भक्त हो गए बड़े। इसलिए जैसे श्री कृष्ण अभी क्या खाएगा नहीं खाएगा कौन चिंता करता है, सखा लोग चिंता करते हैं, जैसे सखा को साथ में कृष्ण दिन भर खेलते घूमते हैं, लेकिन कोई सखा नहीं सोचता है कन्या खाया था अभी इतना समय होगा भूख लगा होगा उसको, भूख लगा होगा अभी खाने के लिए भूख लगा होगा उसको, कौन चिंता करती है? माँ चिंता करती है, माँ चिंता करती है बेटा का ये हुआ नहीं हुआ, खाया कि नहीं खाया, क्या तबीयत खराब, माँ चिंता करती सेवा करना बना ये माँ के अंदर में है। अगर कोई बच्चे जैसे कोई उल्टा उल्टा करते माँ जैसे शासन करती है वहाँ पर माँ जो करती है शासन करती है। यहाँ पर भगवान तो हो गए क्या हो गए भगवान, भगवान हो गए छोटे और भक्त हो गए, लेकिन उसको ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ है जैसे है उसको कहते हैं श्रृंगार रस। कहते श्रृंगार रस किसको कहते हैं? बोले श्रृंगार रस उसको कहते हैं है? जहाँ पर है? जहाँ पर इतने प्रेम की भावना इतने सेवा की भावना उसके अंदर में, उदाहरण जिसको देती है राधा रानी को ब्रज गोपी उनका श्रृंगार रस की भावना देती है। कहते श्रृंगार रस में जो गोपियाँ हैं ना कहते इनके अंदर में सारे भाव हैं, सात भाव हैं, जैसे पति पत्नी होता है ना पति पत्नी जैसे पत्नी को अंदर सात भाव भी है, पत्नी को अंदर दास्य भाव भी है, पत्नी क्या करती है पत्नी सेवा करती है, उसके सेवा करती है, उसके कपड़ा धो देती है, कपड़ा प्रेस कर देती है, उसके दिन भर सेवा करती है, और पत्नी का अंदर में सत्य भाव है, पत्नी का अंदर में सत्य भाव है, पति पत्नी से बात करते हैं। अब देखना तब तक बहुत सारी यार दोस्त रहता है जब तक शादी नहीं हो जाती, शादी हो जाए धीरे धीरे दोस्त चल जाए धीरे धीरे अलग, क्यों कहते पत्नी को अंदर में एक सखा की जो भावना है ना जो सत्य भावना है, फिर उसका जो असली जो सखा को पता ना सखा नहीं पत्नी रह जाती है, दिन की बात बोल कर करना उसका हंसी मजाक करना जैसे दोस्त को साथ पत्नी कर रहे, और जो एक जो बात से अलग से है जिस सेवा की करने का जो माँ जैसे सेवा करती थी है जरा पत्नी को अंदर वो रोटी कौन बनाती है, माँ पत्नी तो बनाती है ना रोटी बनाती है सब्जी बनाती है उनके लिए खाना पीना पत्नी देती है, और जो कि श्रृंगार रस है श्रृंगार को पत्नी की भावना है, जो पत्नी की भावना है जब किसको अंदर में पत्नी के अंदर में ही और किसको अंदर में सर्वस्व देख करके सर्वांग देख कर सर्वस्व देख करके जो पति सेवा करना किसको अंदर में क्योंकि ये गोपियों के अंदर में है। अब देखना जब तक शादी नहीं होता ना तब तो माँ समझते पिता पति प्रेम भाइयों को पति प्रेम प्रेम रहता है सब, लेकिन जो पत्नी आज घर में आ जाए धीरे 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 सब कुछ देना शुरू करते वो सब कुछ पत्नी को पास साफ हो जाए, बोले क्यों कहते ये पत्नी के अंदर में हर चीज़ इसके अंदर में विद्यमान है, सत्य रहते वात्सल रहते उसके अंदर में दास्य रहते शांत रहते और स्त्री की भाव से गई है, अगर परिवार में अलग हो गए तो क्या हो गया, तो अगर कोई परिवार में अगर पिता माता के साथ कोई बात हो जाता है ना फिर किसको लेकर अलग हो जाता है पत्नी को लेकर, जो माँ ने तुमको इतना दिन का गर्भ में धारण किया लालमन पालना सेवा किया तो एक्साइट हो जाती है किसको लेकर अलग हो जाता है पत्नी को, बोले कारण क्या, बोले कारण है इसको अंदर में ये सारे रस इसको अंदर में सारा दुनिया भूल जाता है पत्नी के लिए है, इसलिए कहते गोपियों की जो भाव है सर्वश्रेष्ठ भावना, इसलिए कृष्ण गोपियों के लिए कहते हैं नपार है अम निरबद्ध संतुदा स्वसाधु तीर्थ विदु भाई साधी हो, कहते ब्रह्मा जी से परमा जी लेकर जो ही तुम लोग का ऋणी से मतलब ऋणी नहीं बन सकते क्यों, तो मेरे वजह से हम लोग ने सारा दुनिया को सारा दुनिया को एक तरफ रख करके सारा दुनिया कुछ बोलने पर भी लोग मेरे को प्रेम करना नहीं छोड़े है, इसलिए गोपियों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ भावना, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगत में तुम्हारी ऐसे प्रेम को देने के लिए आए, ऐसे प्रेम को देने के लिए आए जैसे गोपियों की भावना देने के लिए आए, जिसको द्वारा भगवान जिनकी प्रेम में संपूर्ण रूप में प्रसिद्ध संपूर्ण प्रसिद्ध, इसलिए कहते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति मत कर, अभी
प्रश्न होता है जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं, हैं? जो प्रेम को पाने के लिए हुए लोग भी तरसते हैं, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, तो प्रेम उन्होंने आसानी से तो प्रेम उन्होंने आसानी से वो प्रेम को दिया महाप्रभु। वो प्रेम हमें मिलेगा कैसे, कहते अगर छह तरह का शरणागति, अगर ये छह तरह का शरणागति को अगर हम अपना ले, फिर भगवान से जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर जी हमारे लिए ये कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर उसी समय में अगर छह गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, ठाकुर जी को जो बोलेंगे ठाकुर जी सुनेंगे, मतलब छह शरणागति आ गया तो है। देखो छह शरणागति क्या है, कहते दैन्य, दैन्यता मतलब होता है, दैन्य मतलब होता है दीनता, अपना दिल में दीन हीन भावना होनी चाहिए। हम दीन हीन भावना क्या, हम कौन से वैष्णव का, दासों का, दासों का, दासों का हम दास है, सबसे हम सब सबसे बड़े हैं, इसलिए पहला नंबर है दीनता है। इसके लिए कृष्ण ठाकुर ने इसको ऊपर में एक रूप उदाहरण देकर समझाए, जैसे ठाकुर जी हैं कहते आपको भूल करके संसार भूल गया तुम्हारे संसार आसिया पाए, प्रभु आपको भूल करके हम संसार में आए, इतने संसार में धन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, इतने दुखी दुख हम भूल करने पाए, तुम्हारे चरण आसिया आसिया भी वही वो दूर करता था प्रभु, आपका चरण में हम आया है, आपके दुख बताने बोले दुख क्या है, माँ के पेट में जब हम आए 7 महीना हो गया, जब ज्ञान हुआ आपको हमने सिखाई, हमने दुखों के अंदर में माफी कर दो में नाटी जैसा खुश पीस को थे में रह रहे, इसलिए प्रभु हमने पूर्व जन्म में कितने पाप कर दिया, जिस वजह से गर्भ में आए भगवान को पुकारे हैं, इसलिए भगवान दर्शन किया हमने प्रभु जी, भगवान के लिए क्या करोगे अभी, इसलिए जन्म लेने पर चढ़ाई चढ़ करके तेरे नाम फूल चिंतन करके तेरे भजन करें, प्रभु पसंद तो भाग करके आए तो संसार से आए ना, भाई बंधु करेगा छोटे बच्चों को कितना प्यार कैसे देते, छोटे बच्चों को कितना प्यार दे, भाई लेता है, बंधु लेता है, बहन लेता है, जो देखता है गोद में बच्चों को लेता है, सब गोद में लेते और नहीं लेकर उसको प्यार करते 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 इतने प्यार करने लग जाते सब भूल जाते, भगवान भजन करने के लिए आया सबके सब भूल जाता है, भूल कर सबका प्यार कर भूल जाता, उसके बाद बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देता है और पढ़ाई करते इंजीनियर बनेंगे, बस पढ़ते 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 ज़्यादा पढ़ लेता है, फिर पढ़ कर क्या नौकरी कर लेता है, नौकरी करके क्या करता है, फिर अपना परिवार को पालने में जाता है, और जो काम के लिए आया उसका काम ले तो घर के लिए आया था, बच्चे को एक तरफ में रख देता है, इसलिए ठाकुर से प्रार्थना जो प्रभु कृपा करो अभी आप पूजा हो गए, अभी और इंद्रिया हमारी स्थिति हो गई, इंद्रिया कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए प्रभु कृपा करो जैसे तेरा नाम ले सकते हो वैसे नाम कर सकते, इसलिए अपने आप को ही माननी चाहिए कृपा दे सकते, उसके बाद में आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन भगवान के चरण में संपन्न रूप में शरणागत होना, ठाकुर जी आप मेरे हो मैं आपका हूँ, आप मेरे मैं आपका हूँ, इसलिए प्रभु अभी तक हम बड़े दुखी दुखी थे लेकिन जब तुम्हारी शरण में आ गए ना, अभी हमारे कोई दुख नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण में अशोक नाम अशोक है, अभय ना डर नहीं, अस्मृत जहाँ पर मृत्यु नहीं, तुम्हारे चरण को प्रेम ही प्रेम है, इसलिए प्रभु अभी मैं अगर आत्मनिवेदन करे से तो क्या करेंगे, दिन रात तेरा ही चिंतन करेंगे, तेरा ही भक्ति करेंगे, जैसे हनुमान जी राम के चरण का आत्मनिवेदन किया, लेकिन करते ही क्या दिन प्रभु का, दिन में ठाकुर से सेवा ही कर रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारी सेवा जितने कष्ट होने पर प्रभु जी दिन भर तेरा ही सेवा नाम भक्ति हम करें, इस वक्त आत्मनिवेदन करना, आत्मनिवेदन गोपित वर्ग, गोपित मतलब होता है भगवान में पालना करने वाले ठाकुर, जैसे शिवा तो चार भाई और अगर चार पत्नियाँ हैं, दिन रात करते थे क्या, चार भाई चार पत्नियाँ घर में बैठे वृद्धन पर जा लेकर दिन भर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरि हरि, दिन रात भजन हो उसने ठाकुर का, तो भजन करते दिन रात। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, तो भैया तुम चार चार भाई हो, तुम्हारे चार चार पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, देखो ये साफ करना करेंगे, दिन भर मृदंग मचा लेकर हरि कृष्ण कर रहे, संसार कैसे चलेगा, मगर काम काम के खाओ क्या, भूखे ना भजे ना वही गोपाला खाओ भी क्या खिला, तो उसने क्या तीन बार काली में जाते, मतलब क्या है तीन बार काली सी में जा रहे हो, प्रभु आप ही गीता में प्रतिज्ञा रखे हो, जो व्यक्ति मेरा अनन्य रूप में मेरा सेवा करता है, अनन्य रूप में मेरा चिंतन करता है, अनन्य मतलब और कोई सेवा मेरी नहीं, एकनिष्ठ होकर मेरी जो सेवा पूजा करता है, मेरा ही नाम लेता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भक्ति करता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रखकर घर में पहुँच जाता हूँ, और उसको घर में जो चीज है मैं स्वयं एक चौकीदार बन करके उसको अनुवाद करता हूँ, भगवान स्वयं रास्ते की तरह से बताया आपको आगे से मालूम है, बोले फिर तीन ताली की बजाय, बोले इसलिए पहला ताली बजाया जरा जाम से क्षण करके देख लेंगे खाना बनता एक दिन देख लो, अगर फिर दो दूसरा बार से ताली बजे दूसरे दिन भी देख लेंगे खाना आया, बोले तीसरे बोले तीन दिन भी देख लेंगे मुझे खाना आती है, जब मुझे नहीं आएगा फिर हम सोच समझेंगे ठाकुर की नाम ना झूठ से बात बोल दी है बेकार, फिर गले में कल सी बात करके गले में ढूंढ कर इतने महाप्रभु को सुनोगे इतने खुश हो गए महाप्रभु से ऐसे भक्त हम चाहिए, तब उन्हें वरदान किया जो लक्ष्मी शरद मैया को खिलाने वाले, अगर उसको भी कभी भीख मांगना पड़ जाए कभी वो भी भीख मांग ले तेरे घर में किसी कभी कभी नहीं तेरे घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी भगवान उसको आशीर्वाद, इसलिए भक्तों का दिल में क्या विश्वास रहता है भगवान में पालन करेंगे, जैसे माधव है वो कहीं किसी नहीं मांगते दिन रात हरिनाम करते दिन रात, इसलिए उसको तो अजाचक है, अजाचक मतलब इससे कहीं जो मांगना नहीं दिन रात भजन करते हैं, एक दिन भूखे हरिनाम कर रहे भूखे बैठे जैसे उदाहरण देते हैं जिन्नी बार रखते रखते मेहतारी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाते हैं ना शरणागत हो जाते हैं, अभी हमारी तुम्हारी खुशी तुम्हारी खाने पीने का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कोई चिंता करें, उदाहरण देते हैं जैसे एक छोटा बच्चा, बताओ छोटा बच्चा खाने के लिए कोई सोचता है, सोचता है मैं कहाँ सब खाऊँ सब क्या कुछ सोचता है, लेकिन उसका चिंता कौन करता है करता है चिंता माँ करती है मैया को चिंता रहती मेरे बेटा इतने बजे खाई इतना टाइम हो गया अभी कोई खाना नहीं गया कहाँ गया है कोई बच्चा इसलिए तो कहाँ गया उसको मैया चिंतन करती है, क्यों कि माँ की चरणों में ये शरणा करते अगर घर पर खाना बनाया बेटा तुम्हारी सोच मैया जब तक बच्चे को भूला करके नहीं खिलाई तब तक मैया खाना खाई, अगर मैया को कोई बोलते अरे खा लो ना बेटा बच्चा सो गया तेरा क्या हो गया, लेकिन मैया क्या करती चोर जबरदस्त उसको उठा उठा कर खिलाएगी, छोटा बच्चा है ना देखना जब खाता तो एक बार चलते चलते उसके लेकर परेशान रहता सो जाता है और देखना शौच में खाना नहीं खाता मैया क्या करती उसको नील से उठा देते चबच में हार खिला करके खाती, फिर जैसे एक बच्चा माँ की चरण में शरणागत है और माँ उसकी चिंता करता है खाना पीने का, ठीक उसी तरह जो भक्त हर समय भगवान की याद करते हैं हर समय भगवान की चिंतन करते हैं भगवान का नाम लेते हैं ठाकुर जी क्या करते हैं जब तक उसको खिला नहीं देगा ना तो जेल नहीं पड़ेगा, इसलिए भगवान चिंता क्या करते हैं, तो वहाँ प्रश्न करते हैं बोले भगवान को चिंतन करने की क्या जरूरत है, भक्त उनका अनंत कर्म भक्त है किसी भक्त को कर भगवान तुम कह देना मैं सर पर धो करके पहुंचाता हूँ, बोले भगवान क्या जरूरत है नौकर से भेज देते बोली नौकर से भेज देते नौकर से क्यों नहीं भेजते ठाकुर स्वयं क्यों देते हैं, बोले कारण है जैसे तुम्हारे घर में कोई नौकरानी नौकरानी काम करती है अगर तुम बोल दो बच्चा सो गया नौकरानी को बोल दो बच्चों को खाना खिला दो, भैया को चेक नहीं करेगा क्यों
पता नहीं ठीक से खिलाए कि नहीं खिलाए, मेरा बेटा का पेट भरा कि नहीं, नौकराने है ना वो किसी तरह से पड़ जाता है भाई को तो नौकराने। लेकिन भैया जब तक उसको नहीं खिलाते उसको छेद नहीं करते, तो छेद नहीं पड़ते। उस तरह भगवान से कहते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वह बंधुष सखा तुम्हें वो, तुम्हें वह विद्या द्रविण तुम्हें वो, तुम्हें वह सर्व। श्री भगवान हमारी असली पिता माता भाई बंधु कौन है, हैं मेरे भगवान हमारी असली पिता माता भाई बंधु भगवान है, हैं इसलिए भगवान जब तक हमें नहीं खिला देते ना भगवान को चेंज नहीं करना है। मेरा भक्त भूखा तो नहीं रहेगी। हम देखो एक स्टोरी सुन, ये वृंदावन की कथा है। वृंदावन में जो संत लोग साधु लोग हैं ना वो क्या करते हैं, जा करके भजन कीर्तन और हरिनाम करते हैं और घर घर में जाकर माथे को ले आते हैं, रोटी सब उठा लिया तका लेते हैं और भजन करते हैं। एक बार क्या हो गया, एक दिन कृष्ण राधा रानी दोनों से खबर भेजे हम आज यहाँ पर मिलेंगे। और कृष्ण बोले आज मैं राधा रानी रोज अपने हाथों से कृष्ण के लिए पूज्य बनाते हैं, कृष्ण बोले आज मैं तेरे लिए पूज्य बनाऊंगा। इसलिए कृष्ण बोले अमुक स्थान पर आना, मैं अपने हाथों से सुंदर आम पूज्य बनाएगा यहाँ पर मिले। अभी कृष्ण आ गए, कृष्ण आ करके अपना सुंदर अपने हाथों से राधा रानी के लिए सुंदर पूज्य बनाए। लेकिन बोले थे इसी समय पर हम आएंगे राधा रानी बोले, इतने में राधा रानी समय हो गया राधा रानी आ गई। बोले राधा रानी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे थी। क्या हुआ, वृंदावन में संत लोग माधुपुरी करने जाते थे, लाते थे खाते थे। लेकिन जिस समय वो माधुपुरी करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, उसी समय में एक बड़ा तेजी आदमी तूफान आया, बारिश इतना बना घोर बारिश हुई, कोई घर से निकल नहीं पाया। और घर में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम करते जा रहे लेकिन पेट में तो भूखा, लेकिन भगवान खुद कह रहे जैसे माँ जैसे बच्चे को खिलाते खिलाते पेट भी भगवान को खिलाते खिलाते हैं, मैं भी खिलाती खिलाती भक्तों को। अभी भक्त लोग भूखे बैठे हरिनाम करने के लिए चिंता कौन करती है, बच्चे का भूख लगा तो कौन चिंता करता है, बच्चा जितना चिंता नहीं करता उससे ज़्यादा कौन चिंता करती है, बोलो माँ करती है। हैं अभी राधा रानी सब माँ है, एक तरह से राधा रानी माँ है। अभी राधा रानी ने देखा बच्चे मेरे भूखे बैठे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, आज आशु बुखार और बारिश से आ गया, अभी तो मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिला है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। राधा रानी जाती अपने हाथों से रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल सब्जी बना करके राधा रानी घर घर में गई। आज जितने जब बाबा लोग बैठ कर भजन कर रहे थे ना, राधा रानी खूब जाती जाकर के सब रोटी सब्जी चावल सबको उन्होंने सबको राधा रानी दी। और देते देते हो गया लेट, जब देते देते लेट हो गया, लेट हो जाने पर क्या हुआ, इतने में कृष्ण तो पूज्य बना कर बैठे, राधा रानी आई नहीं। कभी बाहर जाते हैं रहा देखते राधा रानी आ भी गई, देखा आई नहीं, फिर पूजे बैठते हैं थोड़ी देर बाद में फिर जाते देखते रात को, फिर दिन दिन भर कृष्ण यही कर रहे, करते करते क्या हुआ, अभी राधा रानी सबको भजन करा के एकदम बात में आई। तो बात में आई ना कृष्ण का कृष्ण को माना, राधा रानी जो बात कर रही थी यानी कृष्ण को बोल रही है बात नहीं कर रहे। इतने में राधा रानी कह रही है सखियों को, बोली कि महात्मा की लोग क्या हो गया, आज ये मान क्यों कर रहे हैं, बोले मान क्यों नहीं करेंगे, तुमने कितने बजे बताया था आने के लिए, घड़ी लोग कितना बज रहा है, कृष्ण कब से हैं कब से पूजा बना कर बैठे हुए तेरे लिए, कभी बाहर कभी भीतर ना बच्चे के हो रहा है, तुम्हें इतने लेट क्यों पा रही, इतने लेट घड़ी देखो कितना बजे। इतने में राधा रानी कहते बोले श्याम सुंदर आज क्या हुआ तुमको पता है, बोले क्या है, बोले तुमने तो किताब में प्रतिज्ञा की है अन्य नश्चित तमाम जनाहा पर निपास थे तेसाम विद्या भी उनका नाम जोगा क्षवाप, तुमने प्रतिज्ञा की ना, मैंने प्रतिज्ञा की जो अन्य रूप में तेरे भजन करते हैं और किसी को नहीं बनिष्ठ होकर मेरी पूजा सेवा करते हैं उसके लिए तुम स्वयं बताए सतमठ होकर के पहुँचाओगे, जो चीज़ तुम रखवाली करके मैंने प्रत्यक्ष किया तुमने प्रतिज्ञा की,
क्या हुआ, मतलब वृंदावन में जिसने बाबा लोग थे जिस समय वो माधुरी करने जाए उस समय में अनाग और बारिश आ गई और उठे सबके सब बैठ कर भजन कर रहे थे। तुमने तो प्रतिज्ञा की तेरे भक्तों को मैं खिलाता हूँ और तेरे भक्त लोग भूखे में बैठे थे तो ना हो, इसलिए क्या की मैंने रोटी सब्जी और बना करके चावल दाल बना करके सब संतों को जिमा करके खिला करके मैं अभी आ रहा हूँ, इसलिए मैंने लेट हो गया। इतना जब उनको सुने ना कृष्णा उनका एकदम हृदय को हृदय को की पिघल गई, राधा जी के चरण में गिर पड़े कृष्णा, भले ही राधे प्रतिज्ञा तो मैंने की है किंतु माँ बच्चे को कौन खिलाती, बाप खिलाती ना माँ खिलाती, माँ खिलाती किंतु माँ है ना, प्रतिज्ञा तो मैंने की लेकिन तू माँ और माँ को खिलाना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण एकदम गर्व है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोपतृत्य वर्णम तथा, मतलब जो भक्त लोगों को पूर्ण विश्वास रहता है भगवान के ऊपर में भगवान जरूर हमें पालन करेंगे, ठाकुर जी हमें जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक भक्तों को खिलाएंगे और जीत रात जो भगवान की भजन करते हैं क्या ठाकुर जी उसको खिलाए खिलाएंगे, ठाकुर जरूर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। है कहते आत्मतुल्य संकल्पम प्राचीतुल्य, मतलब है भक्ति की जो अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करनी चाहिए, जो काम करने से गुरु जी वैष्णव ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, जीवन में हम वही काम करेंगे, जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न नहीं होंगे वो काम हम नहीं कर सकते। इसलिए भजन में कहते हैं अगर वो दुर्लभ प्रेम को पाना चाहते हो भगवान स्वयं महाकृष्ण ने ये छह तरह का शरणागति सिखा देते हैं, क्षेत्र का शरणागति अगर अपना लिया ना क्षेत्र का बस तो दुर्लभ प्रेम मिल जाएगा और तुम जो ठाकुर को बोलोगे ना ठाकुर जी वही सुनेंगे, ठाकुर जी ये छह चीजें अगर तुम्हारे अंदर में आ गई तो उसके महापुरुष इसीलिए आए वो प्रेम को देने के लिए, गोपियों के प्रेम को मंजन भाव को देने के लिए कृष्ण के संपूर्ण रूप में भगवान के उनकी आज्ञा को पालन करते कृष्ण का तुम्हारे घर में पति तुम्हारे आदेश पालन करता कि नहीं करता कि नहीं, जाओ बाजार से ले आओ मार्केट से ये ले आओ ये ले आओ, दिन भर बात कर रहता है ये ले आओ ले आओ, फिर काम करते करते घर में जब आएगा फिर डांट पड़ेगा, लेट में कर दिया बच्चों ने ये नहीं वो नहीं वो नहीं है, इतना लेट क्या कर रहे इतना समय क्यों डांट लगाते हो, लगाते डांट क्यों डांट लगाते हो, कारण क्या, कारण है प्रेम, वैसे डांट की प्रेम की डांट क्योंकि इनकी हृदय में प्रेम होने का नाते वो डांट लगा देती है, पता है घर गृहस्थ तो यही सही करेगी बिल्कुल पैसा कमा कर ला सकते घर का सारे काम का यही कर रहे हैं, इसलिए डांट को सुन लेता है क्यों जानता है मेरे कल्याण की समय है। कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरन्ते, पंकज मकरन्ते, कृष्णदेव भगवन्त I'm not afraid of the dark.
कितना टाइम हो गया? साढ़े आठ।